नमस्ते और ओम शांति आप सब श्रोताओं को। आपको फिर से स्वागत है आपके ही चैनल पर सीक द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन। और जो लोग ये इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वो भी जाकर के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है यूट्यूब चैनल का, जहां पर जाकर के आप सिर्फ ब्लेसिंग्स ही नहीं लेकिन आप जाकर के वहां पे स्लीप पैटर्न्स, डाइट, वहां पे रिलेशनशिप्स और फ्लेक्सिबिलिटी एंड योगा, ये सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में बना के रखी हैं, जिस पर जाकर के आप क्लिक करके एक सेकेंड के अंदर आप सीख सकते हैं नई नई चीज़ें और औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो हम आज के 205 दिन के ईश्वरीय वरदान में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परमपिता परमात्मा आज हमें क्या सीख देते हैं। तो बाबा आज हमें चेयरफुल रहने के लिए कहते हैं कि हम हमेशा चेयरफुल, चेयरफुल को हिंदी कहते हैं हर्षित मुख। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम हमेशा हर्षित रहें, चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में। हमने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा, ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं जिनके पास में धन नहीं होता, हम देखते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, उनके पास चीज़ें कम हैं, प्रॉब्लम्स कम हैं, इसलिए संतुष्ट हैं। हमारे पास में चीज़ें ज़्यादा हैं, हमारे पास पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको संभालने की ज्यादा है, उतना ज्यादा हम दुखी हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि किस तरीके से हम हर्षित रहें, इस चीज को आज के वरदान में देखते हैं। आगे बढ़ते तो बाबा कहते हैं अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर, जो हमारे ओरिजिनल संस्कार है। संस्कार ओरिजिनल क्या थे हमारे? और के अंदर पॉजिटिविटी देखना, और के अंदर अच्छाइयाँ देखना, और की अच्छी बातों के बारे में बात करना। पुराने लोगों के संस्कार कैसे थे? कभी वो इस घर की बात उस घर में, उस घर की बात उस घर में, इस घर की चुगली करना, उस घर में ये हो रहा है, ये सारे गॉसिप मॉन्गरिंग नहीं होती थी उस समय पहले। इस इधर की बात उधर करना नहीं होता था। औरों के गिरने पर खुश होना, औरों का लॉस हुआ तो आप खुश हुए, औरों को मुश्किल हुई अच्छा हुआ उनके घर में ऐसा हुआ, ये सारी बातें नहीं होती थी। ये ओरिजिनल संस्कार नहीं है, ये रॉयल संस्कार नहीं है हमारे। तो परमात्मा कहते हैं अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर, सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। इसी में सीक्रेट बता दिया कि अपने जो ओरिजिनल संस्कार है उनको इमर्ज करो तो आप हर्षित रह पाओगे। इसको ही हम विस्तार में और समझेंगे। बाबा कहते हैं जो बच्चे ज्ञान का स्मरण कर उसका स्वरूप बनते हैं, तो परमात्मा ने ज्ञान दिया है कि ये करो ये मत करो, अच्छाइयां देखो बुराइयां मत देखो। कल के वरदान में भी हमने सीखा कमल फूल समान कैसे, कि कोई आपके ऊपर कीचड़ फेंकता है तो अगर आप डिटैच्ड हो उन बातों से और आप परमात्मा से अटैच्ड हो तो वो बातें आपको असर नहीं करेंगी और वो कीचड़ भी क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा कमल फूल के ऊपर से जैसे। तो आप भी कैसे अपने मन को कैसे बना लो, ये आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है। लेकिन अगर आप औरों के बारे में बोलते हो, औरों के अंदर बुराइयां देखते हो, औरों की बुराइयों को फैलाते हो, तो आप सबसे दुखी इंसान बन जाओगे जीवन में। परमात्मा चाहते हैं वो ना करें, वो हमारा ओरिजिनल संस्कार नहीं है। हम औरों की बुराइयां देख करके उनके बारे में खुश होकर के, किसी कोई गिरा जीवन अपने लाइफ में, कोई कुछ गलत कर रहा था और हमने कहा देखा मैंने कहा था ना ऐसे करना नहीं चाहिए था उसको, ये भी नहीं करना है। परमात्मा कहते हैं इसमें भी आप साक्षी डिटैच हो जाओ, हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है। ये ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया हुआ है। ये ज्ञान क्यों दिया है? ताकि हम ये समझें कि हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, यानी कि हम दूसरों के पार्टों के पार्ट्स के अंदर घुसना शुरू हो जाएं, उसका पार्ट कैसा है, इसका पार्ट कैसा है, उसका रोल कैसा है, वो कैसा रोल अपना रहा है। नहीं, ये नहीं करना हमें। हम जब ज्ञान पाते हैं तो हम औरों के रोल्स को देखना शुरू करते हैं। परमात्मा कहते हैं अपने रोल पे फोकस करो, आपको क्या करना है, आपको क्या क्वालिटीज यूज करनी है। तो परमात्मा चाहते हैं विस्तार में चले, जो बच्चे ज्ञान का स्मरण कर उसका स्वरूप बनते हैं वे सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा मीन्स एडम। तो हम एडम को फॉलो कर रहे हैं कि एडम को परमात्मा ने कौन सी डिवाइन क्वालिटीज, कौन सी गुणों के साथ में भरपूर किया था, वो सारी क्वालिटी। अच्छा, वो क्वालिटीज क्या है उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि आप जाकर वहां पे क्लिक करें। आपको ब्रह्मा कुमारी के जो डिवाइन क्वालिटीज है 36 क्वालिटीज, उसमें से अगर आपके पास में 5-6 भी होंगी तो आप उनको यूज करके अपने आप को संभाल सकते हैं, अपने मूड को ठीक कर सकते हैं। तो वो क्वालिटीज कौन सी है चेक करिएगा। साथ ही साथ परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है, हमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का ज्ञान दिया हुआ है। तो हमें पता है आगे होने क्या वाला है, जीवन में क्या होगा, दुनिया में क्या होने वाला है, पॉलिटिकली क्या होने वाला है, रिलीजियस तरीके से क्या होने वाला है, फिजिकल 5 तत्वों की हालत कैसे होने वाली, सब कुछ बता दिया है। तो सब कुछ बता दिया कि इनकी हालत कैसी होगी, तो हमें डर किस बात का, हम घबराएं क्यों? तो परमात्मा चाहते हैं कि हम इस ज्ञान को इस्तेमाल करके अपनी स्थिति को हमेशा चेयरफुल मतलब हर्षित बना के रखें। आगे देखें, परमात्मा कहते हैं दिव्य गुण अपनी चीज है, जो डिवाइन क्वालिटीज इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वो अपनी चीज़ है, वो अपनी ओरिजिनल क्वालिटी है एक्चुअली, लेकिन उसको हमने छोड़ दिया आस्ते आस्ते करके। हमने क्या किया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जितना बुरा करेगा, जितना स्मार्ट होगा और वो गिराएगा, वो आगे बढ़ेगा। परमात्मा कहते हैं वैसे नहीं होता, वो लॉ ही नहीं है। थोड़ी देर गिरा पाओगे, खुश हो जाओगे, फिर गिरना शुरू हो जाओगे,
क्यों समझते हैं आगे करके। तो परमात्मा कहते हैं अवगुण माया की चीज है जो संग दोष से आ गए हैं। संग दोष, गलत संग में आने से हमने औरों को देख करके कॉपी करना शुरू किया। हमने औरों को देखा कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। जो लोग औरों का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग औरों को गिराते हैं, उनको ज्यादा लोग समझते हैं हीरो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं उनको। तो हमने भी सोचा कि मेरे को भी इंपॉर्टेंस चाहिए, मुझे भी औरों से प्यार चाहिए, तो मैं भी औरों को गिराऊं और मैं पॉपुलर हो जाऊं, मैं औरों के बारे में बातें करूं, चटपटी बातें करूं, तो लोग मेरी बातें सुने। तो कलयुग में तो यही चीज चलता है ना, जो जिसको गिरा सकता है, जो जिसका मजाक उड़ा सकता है, जो जिसको जिसको नीच दिखा सकता है, उसको लोग ऊंचा मानते हैं, ब्रेव मानते हैं, शक्तिशाली मानते हैं। लेकिन वो क्या है, वो अवगुण है, वो माया का है। परमात्मा कहते हैं उससे वो इंसान कभी संतुष्ट नहीं रह पाता, वो और ही और अपने इस चुंगल में फंसता जाता है। और एक सीक्रेट परमात्मा ने कहा कि आप जितना जिसके अंदर नेगेटिविटी इम्प्योरिटी देखेंगे, उतना ही वो इम्प्योरिटी आपकी बन जाएगी, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है ना उसके बारे में, उसके अंदर क्या गलती है, क्या गलत है उसके अंदर। तो वो सोच किसकी बन जाती है, वो आपकी बनती है। फिर आप कहते हो एक साल से दो साल से बड़ी पहले स्टार्टिंग में बड़ी खुशी होती थी, मेरे को बड़ा पॉपुलर मानते थे लोग, अब क्या हो गया, मैं इतना सैड डिप्रेस क्यों हो गया हूँ? क्यों? क्योंकि आपने उनकी बातों को, नेगेटिविटी को अपना घर बना दिया, अपने अंदर इम्प्योरिटी आपने कलेक्ट कर ली, और अब आपकी शक्ति जो पवित्रता की थी वो खत्म हो चुकी है। तो परमात्मा कहते हैं उसको वापस लाओ, वो आपका ओरिजिनल गुण है। कौन सा? दिव्य गुण। तो परमात्मा कहते हैं अवगुण माया की चीज है। माया मतलब धन नहीं, लोग समझते हैं कि धन माया है, वो बुरी चीजें करवाती, नहीं। धन एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप अच्छा कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं। माया है उसका लोभ होना, माया है उसको गलत तरीके से यूज करना, माया है धन का अहंकार, अहंकार माया है, धन माया नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं अब उसे पीठ दे दो, माया को क्या कर दो, पीठ दे दो। हर्षित रहना है ना, परमात्मा कहते हैं माया को पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो। ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरी क्या है? परमात्मा ने जो मुझे ज्ञान दिया वो मेरी अथॉरिटी है, और जो बाकी जो नेगेटिव चीजें वो मेरी अथॉरिटी नहीं, जिसको मैंने बना के रखा है अथॉरिटी। तो परमात्मा चाहते हैं अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। ये सोच की अथॉरिटी, ये जो सोच परमात्मा ने दी, नई सोच, उसकी अथॉरिटी में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। तो अथॉरिटी वाला तो यूज करता है ना किसी चीज को, तो ज्ञान को इस्तेमाल करने की अथॉरिटी परमात्मा ने दी हुई है, अब यूज करना ना करना हमारे ऊपर है। पर परमात्मा कहते हैं कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। कोई नेगेटिव इम्प्योर थॉट्स, इम्प्योर लोगों की बातें आपके सामने टिकेंगे नहीं। आप इतनी हाई वाइब्रेशन में रहोगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा वो क्या आप कह रहे क्या आपके साथ में बोल रहे क्या आपको। तो ये चीज प्रैक्टिस करनी है, मैं भी स्वयं प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी करिए इस चीज़ को प्रैक्टिस। और कुछ कमेंट हो, कुछ आपके एक्सपीरियंसेस हो, तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे आप ज़रूर डालिएगा। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।